I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just want to. So, hello everyone. आज हम लोग 250F देख रहे हैं और ये अभी अभी मेरे दोस्त ने खरीदी है रिसेंटली, एक हफ्ता हुआ है सिर्फ। सो अभी तक इसका नंबर प्लेट वगैरह कुछ आया नहीं है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, यहाँ पे थोड़ा पब्लिक आती जाती रहती है। सो मैंने सोचा आई है तो एक रिकॉर्ड कर लेते हैं शॉर्ट वीडियो और उसमें थोड़ा हम लोग डिटेल दिखा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो ज़्यादातर लोगों ने बताई नहीं है मैंने देखा ये वीडियोज़ में। सो ये गाड़ी का साइड व्यू है, मोस्टली आप इस हाइट से ही देखोगे गाड़ी को हमेशा। अगर आप थोड़े नीचे से देखोगे तो आप देख सकते हो गाड़ी काफ़ी अच्छी दिखती है। 300mm के इसके डिस्क रोटर्स हैं फ्रंट के, पीछे का भी काफ़ी, मतलब मेरे, मुझे लग रहा है मेरे जिक्सर से बड़ा है ये 250 से। अब पीछे से शुरू करते हैं पहले गाड़ी के, फिर आगे जाएंगे अच्छे पार्ट में। अगेन सॉरी फॉर द नॉइस। तो आप देख सकते हो गाड़ी में मडगार्ड स्टैंडर्ड मिलता है पीछे का, और इसमें जो स्विंग आर्म आता है ये स्टैंडर्ड वाला स्विंग आर्म है, एलॉय वाला नहीं है। सो ये एक बात है इसकी, और काफ़ी अच्छे तरीके से इंटीग्रेट किया गया है मडगार्ड वगैरह को। एलॉय भी इसके जो हैं ये सेम NS 200 वाले ही हैं, लेकिन इनकी वेट कम की गई है ऐसा बोला जा रहा है। फिर इसमें डबल स्टैंड एज अ स्टैंडर्ड आता है, और इसमें रबर आप देख सकते हो वॉशर, वो रबर का रबर लगा हुआ है, मतलब इनकेस आप बंद कर रहे हो तो लड़ेगा नहीं ऊपर स्विंग आर्म के पास। देन इसका ये एग्जॉस्ट है, काफ़ी शॉर्ट एग्जॉस्ट है मुझे लगा, थोड़ा और बड़ा बनाना चाहिए था, स्पोर्टी लगती गाड़ी और, लेकिन ठीक है, आवाज़ काफ़ी बढ़िया है गाड़ी की। और अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको वो नेट दिखाई देगा अंदर कैट बॉक्स का। सो ये भी एक अच्छा टच है, मतलब कोई पीछे अगर चलाता है तो उसे दिखाई देता है वो चीज़। देन ग्रैब हैंडल्स इसके काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी एर्गोनॉमिक भी हैं, अगर कोई बैठता है तो ऐसे ही पकड़ेगा, तो परफेक्ट प्लेस की गए हैं पीछे वाले के लिए। देन इसका ये है रियर का लुक, LED के पूरे टेल लाइट्स हैं, LED के इंडिकेटर्स भी हैं, और इसका टेल काफ़ी क्लीन है, मतलब सेक्शन आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी को ज़रूरत पड़ेगी इसको और छोटा करने की, ऐसे ही काफ़ी अच्छा दिख रहा है। देन ये वाला जो पार्ट है ये मुझे लगता है पूरा डोमिनार से लिया गया है, डोमिनार 250-400 का जो है, जैसा कि आप देख सकते हो इस एंगल से, ये मुझे काफ़ी डोमिनार के जैसा ही लगता है, ये देखो इस एंगल से। सो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, पूरे कास्ट एलॉय के बनाए हुए हैं, सो इनकी मजबूती पे मुझे डाउट है कितना अच्छा होल्ड करेंगे क्या पता। और ये प्लास्टिक का पार्ट है, इसके पीछे है एक्चुअल में चेसी, प्लास्टिक से इसे कवर किया गया है ताकि क्लीन लगे देखने में, और सिल्वर एक्सेंट आप देख सकते हो यूज़ किए हैं इन लोगों ने। देन गियर का जो ये लीवर है ये सब क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो बोलते हैं ना एलॉय है कैसा रहेगा ये लॉन्ग टर्म में, गाड़ी गिरे वगैरह की तब क्या होगा वो भी देखना है। काफ़ी अच्छा कलर है इसका। और आगे अब बढ़ते हैं, ये इसका पूरा फ्रेम है, फ्रेम वाइज भी काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्रेम का जो पार्ट है ये काफ़ी यूज़ किया गया है यहाँ पे पूरा, इसको अगर आपको पॉलिश वगैरह करना पड़ा तो प्रॉब्लम होने वाली है, इसका काफ़ी ध्यान देना होगा। और अब थोड़ा साइड में भी देख लेते हैं, यहाँ पे इंजन के पास ये जो है इसका लेग गार्ड है जो स्टॉक आता है कंपनी के साथ, और उसके साथ ये हॉर्न भी आती है इसका, आप ट्यून यहीं से एडजस्ट कर सकते हो, वाइट पार्ट्स है जो यहाँ पे है। एयर कूल्ड इंजन है, बट इसका जो रेडिएटर है नीचे ये आप देख सकते हो उसका रेडिएटर है, ओल्ड 220 का जो रेडिएटर आता था वो इतना सा होता था, 4 का मेरे ख्याल से, इसमें और 3 ये नीचे के ऐड हुए हैं। और इसमें जो प्रोटेक्टर है वो स्टैंडर्ड आ रहा है, काफ़ी अच्छी बात है कि बजाज ने कस्टमर्स को ये सब स्टॉक में दिया हुआ है, अलग से कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो है ये लिक्विड कूलिंग की जो पाइप्स होती हैं वैसी पाइप्स हैं यहाँ की, उस क्वालिटी की पाइप्स हैं, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होंगी। इवन मेरी जिक्सर में भी वो ब्रेडेड केबल जैसा है जो मुझे लगता है कि कभी ना कभी फेल होने ही वाला है, बट ये वाले जल्दी फेल नहीं होते, ये मेरी CBR में भी था ओल्ड। और फिर ये सब इंजन में जाता है पूरा, पाइपिंग वगैरह जो भी है इसका। देन इसके जो ब्रेक लाइंस हैं ये स्टील ब्रेडेड है, और ये ABS की वायर, जो ब्रांड है वो ग्रिमेका है जैसा कि आप देख सकते हो। इसकी राउटिंग इन लोगों ने बहुत अजीब तरीके से करके रखी है, कभी किसी को ब्रांड नेम पूरा देखने नहीं मिलेगा इसका, क्यों ऐसा किया क्या पता।
काफ़ी नीट एंड टाइडी तरीके से, मतलब बहुत अच्छे से इसको प्रेजेंट किया है, अच्छे से एकदम आप अंदर भी अगर देखोगे तो हर चीज़ को प्रॉपरली राउट किया हुआ है, इस केबल को, वायरिंग हार्नेस को सब अंदर अच्छे से, इसके पीछे पीछे से अच्छे से निकाला हुआ है। कोई भी मतलब इनकम्प्लीट नहीं दिखेगी आपको गाड़ी कहीं से भी, काफ़ी अच्छे तरीके से हर चीज़ का ध्यान दिया गया है इसमें। और नीचे यहाँ पे सस्पेंशन वगैरह का ट्रिपल क्लैंप है, देख सकते हो। बाकी फ्रंट से जो लुक्स आता है गाड़ी का वो कुछ ऐसा है, ये इसका फ्रंट लुक है। लाइट मैं चालू करके दिखा देता हूँ एक बार कि फ्रंट से कैसी लगती है। सो हाँ, और एक चाबी का भी दिखा देता हूँ, इसकी चाबी भी जो है ये फोकस, हाँ तो इसकी चाबी भी जो है ये ऐसी वाली है, इसको जल्दी डुप्लीकेट करना मुश्किल होगा। सो ये भी एक सिक्योरिटी एक ऐड कर देता है, इसको डालते हैं वापस, चालू करते हैं। और ये है इसका फ्रंट से लुक, फोकस हो जा मेरी चैन, हाँ। और ये इसके मिरर्स जो हैं ये थोड़े ज़्यादा ही कुछ बाहर लग रहे हैं पहले से। सो अगर किसी को आदत नहीं है मिरर वाली गाड़ियाँ ऐसी जो चलाते हैं लोग, इसका अगर आपको आदत नहीं है तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा आपको यूज़ टू होने में, थोड़ा यहाँ पे संभालना वरना ये स्क्रैच वगैरह हो जाते हैं लड़ लड़ के। सो ये है फ्रंट लुक। पीछे से भी दिखा देता हूँ लाइट कैसे लगती है एलईडी वाली। सो ये है एलईडी लाइट रियर। और इंडिकेटर्स का तो मेरे ख्याल से आइडिया होगा अभी तक सबको, KTM के ही इंडिकेटर्स हैं ये भी। सो सुपर ब्राइट सुपर प्रीमियम KTM इंडिकेटर्स, एक टूटेगा तो 600 रुपये का खर्चा आएगा, सो तोड़ना मत गलती से भी। और इसी के साथ यहाँ पे नंबर प्लेट भी लगता है। इसकी विंडशील्ड थोड़ी मुझे छोटी लगी और थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगी मेरे ख्याल से, इसको ना थोड़ा ऐसे रखते ना ये लोग तो जो विंड जो होता है ना ज़्यादा अच्छे से फ्लो होता है इस पे से, और टॉल राइडर्स के लिए थोड़ा ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता। सो इसके साथ हम लोग फ्रंट का भी अभी डिस्कशन कर लेते हैं ख़त्म। टायर्स भी मैं दिखा देता हूँ, ये 100 सेक्शन टायर है MRF का, 100x80 17 इंच का टायर, MRF का जैपर YF2 या FY2 ऐसा कुछ नाम है। और जो पीछे लगा है ये MRF का जैपर S है, बाय द वे सेम सेट ऑफ टायर्स आपको डोमिनार पे भी देखने मिलते हैं। सो अगर आपने कभी देखी होगी तो आपको आइडिया मिल जाएगा, बट भाई ये क्योंकि गाड़ी उतनी ह्यूमंगस नहीं है तो उसको टायर उतना स्किनी नहीं लगता इसका कंपेयर टू डोमिनार। डोमिनार में काफ़ी स्किनी लगता है 250 में। ओके सो ये भी कवर कर लिया है। अब चलते हैं ज़रा हैंडल बार की तरफ। सो जब आप गाड़ी में बैठते हो तो आपको ये सब देखने मिलता है सामने से ऐसा। थोड़ा मैं स्पीडोमीटर के डिटेल, अभी क्योंकि इसका नंबर प्लेट आया नहीं है तो स्पीडोमीटर भी इसका डिस्कनेक्टेड है, और अभी इतने ही डिटेल्स दिख रहे हैं मुझे इसमें, तो इसमें और मैं थोड़ा डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में कि इसमें क्या क्या आपको देखने मिलेगा। फिलहाल के लिए आप देख सकते हो ट्रिप 1 ट्रिप 2, फिर और दबाओगे तो distance to empty, कितना किलोमीटर चल चुकी है ये पता नहीं कैसे आ रहा है क्योंकि स्पीडोमीटर तो डिस्कनेक्टेड है इसका। देन अच्छा ओके वो ओडो था, ओके पहले शायद चलाया होगा किसी ने, चला मतलब गोडाउन से लाते वक्त। एंड फ्यूल आप देख सकते हो इसका, हम लोगों ने जब डिलीवरी लिया तभी फुल टैंक करके रखा है। और हाँ फिलहाल के लिए इतना ही है, बाद में इसको निकालेंगे। एक स्पेशल वीडियो मैं इसका स्पीडोमीटर पर बनाऊंगा कि इसमें जो जो फीचर्स दिए गए हैं जैसे कि डिस्टेंस टू एम्प्टी एंड माइलेज वगैरह वगैरह वो कितने एक्यूरेट हैं वो हम लोग टेस्ट करेंगे फुल टैंक टू फुल टैंक मेथड से और बाकी चीज़ों से, तो वो एक टेस्ट करेंगे, उसका एक स्पेशल वीडियो आएगा। देन स्विच गियर मैं बोलना चाहूँगा, क्वालिटी लाइक एक लेवल ऊपर कर दी गई है जो पुराने पल्सर्स थे उनसे। स्टिल इट इज़ नॉट एज गुड एज जापानीज बट दिस इज़ रियली गुड फॉर 1,65,000 ऑन रोड जो गाड़ी है ये, उसके हिसाब से काफ़ी प्रीमियम है ये सब। ये देख सकते हो आप काफ़ी क्लिकी हैं, फोकस कम ऑन बेबी फोकस, देख सकते हो आप काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये सब। यहाँ पे पास लाइट का ट्रिगर भी है, हॉर्न है यहाँ पे, और ये साइड तो काफ़ी बेसिक लगा मुझे, यहाँ पे भी कुछ कंट्रोल्स देने चाहिए थे। और काफी ये बैकलाइट स्विचेस है इसके, ये काफ़ी अच्छी बात है, रात को ये बहुत अच्छा दिखता है, एक प्रीमियमनेस ऐड करता है गाड़ी के अंदर।
और अभी इसका हॉर्न सुन लेते हैं। तो ये इसका हॉर्न है, काफी हाई पिच लगा मुझे, एवेंजर के जैसा लगा। सो दिस इज द हॉर्न। और गाड़ी एक बार चालू करके भी दिखा देते हैं, थोड़ा क्लियर होने देते हैं यार, यहाँ पे बड़ा आवाज आने वाली है। मिरर्स जो है इसके वही सेम CBR और जो R15 वाला सिस्टम है वैसे ही लगे हैं दो इस पे। अब उसकी आवाज सुन लेते हैं, एक बार शांत हो गए यहाँ पे। और ये सिंगल टच वाला बटन है, मतलब बस टच करके आपको छोड़ देना है, गाड़ी अपने आप चालू हो जाती है। ये इसकी आवाज है। थोड़ा सा मैं रेव करता हूँ, आप देखो कैसा लगता है आपको एग्जॉस्ट नॉट। तो ये आवाज है। मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि इसका इंजन काफी साइलेंट है पहले से, जो ओल्ड मॉडल्स जो हुआ करते थे उनसे जो आवाज आती थी इंजन की तरफ से, सिक 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 करके जो एक विसलिंग साउंड थी, वो भी अभी काफी काफी उसको अच्छा कर दिया गया है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको सिर्फ एग्जॉस्ट सुनने को आएगा ऐसा। इंजन से अभी फिलहाल कोई नॉकिंग नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी टक 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 कुछ नहीं। और इसको मैं बंद कर देता हूँ। ग्रिमेका के इसके आगे के ब्रेक्स हैं, पीछे का कुछ लिखा नहीं है, कोई आइकन भी नहीं है उस पर कि आप उसको समझ पाओ। सो मे बी वो ग्रिमेका के नहीं है शायद, लेकिन आगे का तो फॉर श्योर है। और काफ़ी अच्छे ब्रेक्स हैं, आप देख सकते हो, बस इतने में ही आपका सारा है, कोई स्पॉन्जीनेस नहीं है ब्रेक्स में, एकदम परफेक्ट है। सो ग्रिमेका ने जो काम किया है काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बाद में अभी देखते हैं इसको 1000-2000 किलोमीटर चला के, देखते हैं कैसा ब्रेक का फीडबैक आएगा इसका। थ्रॉटल एज ऑलवेज बजाज की गाड़ियाँ हैं, थ्रॉटल नेक्स्ट लेवल स्मूथ, एवेंजर के जैसा सेम वही बजाज की, आप कोई भी गाड़ी ले लो, बेस्ट थ्रॉटल एज ऑलवेज। और अभी इसका सीट देखते हैं अंदर से कि क्या क्या इसके अंदर सीट के नीचे आपको मिलता है। ये भी ज़्यादातर किसी ने दिखाया नहीं है, सो मैं बोला दिखा देता हूँ एक बार। मैंने इसको ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। सो ये गया पीछे का सीट बाहर। यहाँ पे इग्निशन का आपका जो कॉइल होता है वो उसका यहाँ पे ही है। देन बैटरी के इनपुट्स भी यहीं पे हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये पूरा पार्ट खोलना पड़ेगा बैटरी एक्सेस करने के लिए। देन यहाँ पे आपका OBD पोर्ट है, और ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे और देखने के लिए। अभी नेक्स्ट सीट निकालते हैं। नेक्स्ट सीट निकालने के लिए भी ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस इसको उठा के थोड़ा पीछे खींच देना है। सो ये बाहर आ गया। काफ़ी अच्छा मुझे अप्रोच लगा ये कि सिर्फ चाबी खोलकर आप दोनों सीट्स निकाल सकते हो, कोई स्क्रू आपको नहीं खोलना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो Amaron की बैटरी आपको स्टॉक मिलती है कंपनी की तरफ से, एंड दिस इज ब्लैक कलर्ड, ग्रीन नहीं है। तो मैंने यही देखा है कि कंपनी की तरफ से जब भी आती हैं ब्लैक कलर की आती हैं, चाहे वो एक्साइड की हो, Amaron की हो, कोई भी हो, ये आपको मिलेगी। देन यहाँ पे फ्यूज़ बॉक्स पे मैं थोड़ा फोकस करके दिखा देता हूँ। ABS, किल स्विच, लाइटिंग, फ्यूल पंप रिले, मेन रिले सब इसमें है। देन ये शायद से किसी और चीज़ का है, ये शायद से मुझे मतलब एक्स्ट्रा है शायद इसमें, क्या पता, मुझे गारंटी नहीं है इसकी, मुझे देखना पड़ेगा मैनुअल में, बट ABS का तो यहीं पे है। सो यहाँ पे एयर फिल्टर है गाड़ी का, फोकस, ये है एयर फिल्टर, इसको भी आप डायरेक्ट खोलकर चेंज कर सकते हो यहीं से, कुछ टैंक वैंक नहीं खोलना डोमिनर का जैसा, सब यहीं से आपको काफ़ी अच्छा बनाया गया है। और गाड़ी के साथ ये क्या बोलते हैं इसे, मेडिकेट बोलते हैं, फर्स्ट एड किट गाड़ी के साथ ये यहाँ पे आता है कोने में लगाया हुआ। और टूल किट शायद इस तरफ आता है, टूल किट हम लोगों को उसने अलग से दे दिया हाथ में, नो आइडिया भाई वो कहाँ लगता है, वो भी मुझे समझ में नहीं आया फिलहाल तो। सो काफ़ी अच्छे रबर ग्रॉमेट्स भी यूज़ किए गए हैं, अच्छी क्वालिटी के, हार्ड हैं ये, ऐसे पतले नहीं है, अच्छे हैं। सो ओवरऑल मतलब 1.65 लाख के हिसाब से गाड़ी का जो फिट एंड फिनिश है, जो मटेरियल क्वालिटी जो यूज़ की गई है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, कमेंडेबल जॉब है भाई बजाज की तरफ से। वन ऑफ द वेरी स्पेशल पॉइंट्स जो है इसके, ये USB चार्जर है इसका जो बिल्ट इन कंपनी देती है। काफ़ी अच्छी स्प्रिंग है इसकी, लॉक भी होता है अंदर जाके, मतलब वॉट अगर आप बारिश में चला रहे हो तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इसको यूज़ करना, स्टिल आई थिंक काफ़ी अच्छा बनाया गया है इसका हिंज मैकेनिज्म और ये सब। प्लास्टिक है ऑफकोर्स, बट अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, फ्लिम्सी नहीं है, थर्ड बोलते हैं ना थर्ड पार्टी का कुछ लगा के दे दिया हो, ऐसा नहीं है, जैसे ESD ने किया था वो ऐसा लग रहा था जैसे एक हैक जॉब है बस, वैसा नहीं है, काफ़ी अच्छे से इंटीग्रेट किया गया है इसके साथ। सो गुड जॉब उसमें भी बजाज को।
और ये इसके स्क्रू का क्वालिटी वगैरह भी सब काफ़ी वैसा ही है, 220 जैसा ही है सब। ये सब थोड़ा सा चेंज किया गया है डिज़ाइन वगैरह यहाँ का, बाकी सब बढ़िया है। क्लच इसका काफ़ी लाइट है, ये आप देख सकते हो, मैं सिंगल फिंगर से भी इसको आराम से खींच पा रहा हूँ। सो ये एक खास बात है इस गाड़ी की कि इसमें स्लिपर क्लच आता है इस प्राइस पॉइंट पे। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको कुछ और डिटेल चाहिए इस गाड़ी के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हो कॉमेंट में, मैं रिप्लाई दे दूंगा जितना जल्दी हो सके उतना, क्योंकि अभी अपने दोस्त के पास ही है गाड़ी, तो टेंशन नहीं है, जिंदा था अपन चेक करके पूछ सकते हो उससे कुछ भी। सो हम लोग नेक्स्ट राइड पे भी जाने भी वाले हैं नेक्स्ट वीक में। सो इसका रिस्पांस कैसा आता है वो हम लोग ओनर से देखेंगे, बात करेंगे इसके बारे में कि कम्फर्ट वाइज कैसी थी गाड़ी और माइलेज वगैरह क्या मिला उसका कुछ आइडिया अगर होगा उसे तो। सो अभी के लिए यहीं पर बंद करते हैं वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर कॉन्टेंट अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और भी आने वाले 250 के ऊपर काफी। I just wanna stay bad, stay mad, chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious.